गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेनिस के ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ काट के बारे में। टीएस ऑफ पेनिस, पेनिस के ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, पिछले क्लास में बताया था कि पेनिस एक कोपुलेटरी ऑर्गन है जो इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ रहता है, और वो इरेक्टाइल टिश्यूज में तीन बंडल के अंदर पाए जाते हैं। उनके अंदर ब्लड साइनसेस पाए जाते हैं, जिनके अंदर जब ब्लड कैपिलरी ब्लड की सप्लाई जब होती है तो पेनिस जो होता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स के समय वो स्टिफ रिजिड और हार्ड हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है, जो कोपुलेशन में मदद करता है और सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है। आज हम लोग उस ट्रांसवर्स सेक्शन जब पेनिस का काट कर देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि हाँ, इसमें के जो इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं वो इरेक्टाइल टिश्यू कैसे उसमें मौजूद होते हैं। तो सपोज दैट कि दिस इज द पेनिस, ये पेनिस है, जिसमें पिछला क्लास में बनाया गया था पिक्चर, बताया गया ग्लांस पेनिस हाईली सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द मेल, और ये बीच में यूरेथ्रा और दोनों साइड में इसमें मसल्स हैं जो इरेक्टाइल मसल्स हैं, और ऊपर से यह लूज फोल्डेड स्किन से कवर्ड है इसे। ओके स्टूडेंट, तो आज इसी का इसे टीएस जब काटा जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन जब इसको हम काटते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद इसमें स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। तो ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, हियर इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ऐसा हो। और इस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस में तीन बंडल्स में इरेक्टाइल टिश्यू मौजूद होते हैं, और तीन बंडल्स में जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जिसमें से दो बंडल जो होता है वह डॉर्सो लैटरल होता है और एक बंडल जो होता है वह वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल वेंट्रल पार्ट पर होता है। तो दो हो गया कहाँ पर, डॉर्सल लैटरल पार्ट पर। ओके, डॉर्सल यानी पीछे और वेंट्रल मीन्स आगे, तो एक वेंट्रल साइड पर होगा, दो डॉर्सल साइड पर होगा, और जो वेंट्रल साइड पर होगा, जो पीछे की साइड में होगा, जो आगे की साइड में होगा, वेंट्रल साइड में होगा, उस वेंट्रल साइड के अंदर ही यूरेथ्रा पास करता है। तो यहाँ देखिए, ये तो हो गया क्या पेनिस पूरा, और ये एक बंडल हुआ और ये दूसरा बंडल हुआ इरेक्टाइल टिश्यू का, और ये एक वेंट्रल साइड पर यह तीसरा इरेक्टाइल टिश्यू का बंडल हो गया, जो पेनिस सपोज पेनिस है इसमें लंबाई में ये तीन बंडल होता है ना, लंबाई में तीन बंडल होते हैं, और ये चारों तरफ से ये बंडल्स जो होते हैं वह व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से घिरे हुए रहते हैं। ये व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी व्हाइट फाइबरस, तीनों जो होगा वो व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है, सॉरी घिरा हुआ है। इस व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर को कहा जाता है क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वर्ड हम लोग और पढ़े थे टेस्टिस के चारों तरफ से, क्या यह ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या यह व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का यह लेयर है जो ये दोनों तीनों पर मौजूद है, तीनों बंडल पर, जो दो ये बंडल है जो किस साइड में है, यह डॉर्सल और लैटरल, डॉर्सो लैटरल साइड पर है, डॉर्सो लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल लंबाई में है यहाँ। तो इन दोनों का नाम है क्या चीज, कॉर्पोरा कॉर्नोसा, कॉर्पोरा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो डॉर्सो लैटरल कितना है यहाँ, दो है, तो टू डॉर्सो लैटरल, ठीक है, टू डॉर्सो लैटरल और लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल और क्या, इरेक्टाइल,
टिश्यू, ठीक है। ये तो हो गया इसका नाम कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और क्या यह कॉर्पोरा कैवर्नोसा? टू डॉर्सो लैटरल लॉन्गिट्यूडनल इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। और एक है यह तीसरा, ठीक है। और इस तीसरे का नाम है कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम, कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम, कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम। ये दूसरा टाइप का बंडल है, ये दोनों एक टाइप का बंडल, ये दूसरे टाइप का बंडल। और ये क्या है? तो वन वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। और इसी के बीचों बीच से निकला हुआ रहता है क्या चीज? यूरेथ्रा पास करता है, देखिए तो बीच में ही है यूरेथ्रा, तो ये बीच से यूरेथ्रा पास किया करता है। ये क्वेश्चन आता है कि किस बंडल से यूरेथ्रा पास करता है, तो किससे पास करता है? कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम से पास करता है यूरेथ्रा, ओके। तो इस कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर और कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम के अंदर ब्लड साइनसेस होते हैं, यानी कि स्मॉल स्पेसेस होते हैं जिसको ब्लड साइनसेस कहते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स पास करता है, ठीक है। ये सब ब्लड साइनसेस हैं, क्या है? सब ब्लड साइनसेस हैं जिससे ब्लड वेसल्स पास करेगा, क्या होगा? ये सब ब्लड साइनसेस है ना, क्या है? तो स्मॉल स्पेसेस फ्रॉम विच ब्लड वेसल्स पास, ठीक है। इसी से ब्लड वेसल्स पास करता है। जब इंटरकोर्स का समय आता है, उस इंटरकोर्स के समय में क्या होता है? ये ब्लड, इनके अंदर से ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, और उसके ब्लड की सप्लाई बढ़ने की वजह से ही क्या होता है? यह स्टिफ हो जाता है, ये पेनिस स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, स्टिफ है ना, और टफ हो जाता है। तो ये तो हम लोग पढ़े किसके बारे में, ये तो सब हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस। अब अगला जो पॉइंट हम लोगों का है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है तो उस वक्त पेनिस जो होता है वो सीधा हो जाता है। पेनिस का सीधा ही होना क्या कहलाता है? इरेक्शन ऑफ पेनिस, क्या कहलाता है? इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। और इस इरेक्शन ऑफ पेनिस को कंट्रोल करने वाला हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और वह सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यही क्या करता है? इसकी पेनिस के इरेक्शन को कंट्रोल करता है। इरेक्शन ऑफ पेनिस का मतलब हुआ पेनिस का सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के समय इरेक्ट हो जाना, सीधा हो जाना, खड़ा हो जाना, दैट इज कॉल्ड इरेक्शन ऑफ पेनिस। और कौन कंट्रोल करता है? वो सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। नाउ ये तो था इरेक्शन। इरेक्शन के बाद एक दूसरा वर्ड आता है बाबू, इजैकुलेशन। ये दोनों अलग अलग वर्ड है। ये तो हो गया पेनिस का सीधा होना, और ये हो गया इजैकुलेशन। इजैकुलेशन इंटरकोर्स के समय क्या होता है कि पेनिस के से स्पर्म सीमेन जो होता है वो फोर्स से बाहर निकलते हैं। उस फोर्स से बाहर निकलने को ही क्या कहते हैं? इजैकुलेशन। तो लिखेंगे यहाँ क्या? फोर्सफुल रिलीज ऑफ, फोर्सफुल यानी कि पूरा बलपूर्वक, फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमेन, फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम पेनिस इज कॉल्ड व्हाट? इजैकुलेशन। उसको क्या कहा जाएगा? इजैकुलेशन कहते हैं। और जो एक बार में जितना इजैकुलेटरी मटेरियल निकलता है, क्या निकलता है इजैकुलेटरी मटेरियल? उसका नाम क्या है? सीमेन। तो एक वन इजैकुलेशन में जो सीमेन निकलता है इन वन इजैकुलेशन,
कितना सीमेन निकलता है? लगभग 2 से 3 ml सीमेन बाहर निकलता है, और 1 ml सीमेन में, 1 ml सीमेन में, ठीक है, क्या रहता है 1 ml सीमेन में, क्या रहता है बाबू 1 ml सीमेन में? लगभग 100 million स्पर्म रहते हैं। बार बार सीमेन आ रहा है, कंफ्यूज होते होंगे सीमेन है क्या चीज, आइए बताते हैं, नोट कर लिए होंगे। सीमेन देखिए क्या है, सीमेन यह क्या है, यह अल्कलाइन है ना, अल्कलाइन और विस्कसी, ठीक है, चिपचिपा भी है, अल्कलाइन भी है, और क्या है, व्हाइट होता है सब्सटेंस है यह। तो कितने क्राइटेरिया हो गए, अल्कलाइन है, विस्कसी है और व्हाइट सब्सटेंस है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7.2 से 7.4, ठीक है, 7.2 से 7.4 इसका पीएच वैल्यू होता है, ओके, यानी कि यह अल्कलाइन है। ये सीमेन बना के क्या है, ये सीमेन में क्या क्या कंपोजिशन क्या है इसका, तो इसका कंपोजिशन है, इसमें पहला होगा स्पर्म प्लस, हमने पिछला लेक्चर बताया था कि एक्सेसरी जो सेक्स ग्लैंड थे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और काउपर्स ग्लैंड, उस तीनों ग्लैंड से निकलने वाला जो मटेरियल होता है, उस मटेरियल को सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। हो गया क्या, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। और सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या चीज मौजूद है, तो सबसे पहला है सेक्रीशन ऑफ, यानी कि सेक्रीशन मतलब सराव, तो सराव सेक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ सराव प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद है सेक्रीशन ऑफ क्या चीज, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से, सेमिनल वेसिकल का है, और सेमिनल वेसिकल के बाद एक तीसरा जो ग्लैंड है उससे निकला हुआ सराव है, और उस ग्लैंड का नाम है क्या, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। तो इस तीनों ग्लैंड से निकले हुए सराव को सम्मिलित रूप से सेमिनल प्लाज्मा कहेंगे, और उस सेमिनल प्लाज्मा के साथ जब स्पर्म मिल जाता है तब उसको कहा जाता है क्या चीज, सीमेन कहा जाता है। आई बात समझ में, अब वही सीमेन को हमने यहाँ बताया था कि सीमेन एक इन वन इजेकुलेशन में कितना सीमेन निकलता है, तो लगभग 2 से 3 ml सीमेन निकलते हैं, और 1 ml सीमेन में कितना स्पर्म रहता है, तो लगभग 100 million स्पर्म रहते हैं, ठीक है। और इस 100 million स्पर्म तो हो गया, अब जो टोटल स्पर्म कितना हो जाएगा, तो 2 से 3 ml सीमेन में कितने स्पर्म हो जाएंगे, तो सो इन 2 to 3 ml सीमेन कितना स्पर्म हो जाएंगे, तो लगभग 200 million से 200 to 300 million स्पर्म होंगे एक बार में जो निकलता है, और ये सब के सब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाएंगे। अब कहेंगे सर इतना निकलता है इतना ज्यादा क्या होता है, हालांकि काम एक ही का है, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बहुत सारे जाकर के रास्ते में मर जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल को उनको झेलना पड़ता है, स्ट्रगल को पार करके और तब जाना पड़ता है एक के पास, तो जो स्ट्रगल बीच में ये करते हैं उस स्ट्रगल में मैक्सिमम क्या होते हैं, मर जाते हैं, और मात्र और कुछ पहुंचते हैं एक के पास, जिसमें से मात्र एक जो होता है वह एक के अंदर फर्टिलाइज, एक से फर्टिलाइज करके और जायगोट बनाता है और बेबी का निर्माण करता है, ओके। तो अब तो ये हो गया कि एक एक बार के इजेकुलेशन में कितना सीमेन निकला, 2 से 3 million सीमेन निकला, और उस 2 से 3 million सीमेन में लगभग 200 से 300 million स्पर्म है, ठीक है। अब इसके बाद जो नॉर्मल एक जो सीमेन होते हैं, नॉर्मल सीमेन में, इन नॉर्मल सीमेन, नॉर्मल सीमेन कब कहा जाएगा, अबाउट 60% स्पर्म आर मोटाइल। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, कि जब सीमेन निकल रहा है उसमें जितने स्पर्म है उसमें से 60% स्पर्म का क्या होना है, मोटाइल होना है, यानी कि वो अपने से चल सकते हो तेजी से, तो तब कहा जाएगा कि हाँ उसका, उस मनुष्य का जो सीमेन है वो क्या है, नॉर्मल है।
और एक और शर्त है क्या कि 40% जो स्पर्म होना चाहिए, 40% स्पर्म शुड बी, यहाँ भी जोड़ो 60% स्पर्म शुड बी मोटाइल, शुड मतलब होना चाहिए, शुड मोटाइल, और 40% स्पर्म शुड नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकली, नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि जो स्पर्म होते हैं उस स्पर्म का जो हेड हो, टेल हो, बॉडी नेक पार्ट हो, सब के सब पार्ट उसके अंदर मौजूद हो, प्लस वो मोटाइल भी हो, तब वो सीमेन जो होगा क्या कहलाएगा, वह नॉर्मल सीमेन कहलाता है। ओके, तो ये सब तो हो गया कि हम लोग सीमेन के बारे में पढ़ लिए, पेनिस के बारे में पढ़ लिए। इसके बाद जो अगला हम लोग का क्लास होगा वो अगला क्लास होगा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। इसके पहले हम लोगों ने जो टेस्टिस का सेक्शन पढ़ा था वो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन था। आज नहीं, इसके अगले क्लास में, इसके अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। टिल नाउ थैंक यू।